बारह मोहल्ला चुनावी हल्ला। नमस्कार, मैं हूं वैभव शिव पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर स्पेशल प्रोग्राम। दरअसल हम इस बारह मोहल्ला और चुनावी हल्ला के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड में माहौल चुनाव को लेकर के है क्या, नगरी निकाय को लेकर के जनता के मन में किस तरह के सवाल है और वो इस बार किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने वाले हैं। तो आज इसी कड़ी में हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 39 में स्वामी आत्मानंद वार्ड में और उसकी शुरुआत हो रही है अग्रसेन चौक से। ये अग्रसेन चौक जहां से कई सारे वार्ड एक साथ जुड़ते हैं और उसी कड़ी में हम वार्ड क्रमांक 39 की जो है तस्वीरें आपको दिखाएंगे और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहां पर राजनीति की शुरुआत होती है, या कहिए कि जहां पर राजनीति को बेहतर तरीके से समझा जाता है, या ये भी कहिए कि कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक उस स्थान पर पहुंचते हैं और अपनी बात को वो कहते हैं। हम अग्रसेन चौक पर मशहूर एक पान की दुकान है वहाँ पे मौजूद हैं और उनसे समझेंगे कि वार्ड क्रमांक 39 में इस बार माहौल किस तरह का है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। गणेश बजाज। क्या? गणेश बजाज। गणेश बजाज जी हैं। गणेश बजाज जी, आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग आते होंगे, यहाँ पे अलग अलग दल के लोग आते होंगे, कार्यकर्ता नेता सब आते होंगे, तो इस बार का जो है चुनाव किस तरह से है, क्या बदलाव इस बार हुआ है? सर, इस बार क्या हुआ, पहले जो वार्ड था वार्ड क्रमांक 17 अब हो गया 39, तो सारे क्षेत्र पूरे बदल गए हैं। तो कुछ यहाँ की मतलब वार्ड पूरे बदल गए और जो चुनाव देने वाले वो बदल गए, तो इसका असर दिख रहा है? असर पूरा दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा, जनता के मन में किस तरह के सवाल हैं, क्या वो सोचते हैं अपने वार्ड को लेकर? अब वार्ड के लिए तो सर साफ सफाई होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। वैसे आपका वार्ड तो काफी साफ सुथरा है। हाँ, पूरा वार्ड साफ सुथरा है। अच्छा, यहाँ से बीजेपी के पार्षद हैं अभी वर्तमान में दिनेश संध्या, दिनेश शर्मा। अच्छा, और सनत बैस जी भी जो पार्षद थे वो भी क्या इसी वार्ड के हो गए हैं अब अभी चुनाव में इस बार? तो उसकी दावेदारी है क्या, ऐसी कोई चर्चा है क्या? है ना, दावेदारी है ना। है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतने सालों में क्या क्या विकास हुए हैं और क्या क्या नहीं हो पाया है, कमी कहाँ पे है, कुछ नजर आता है? विकास तो बहुत है। हाँ। जैसे और कोई चीजें आपको लगता होगा कि मेरे मोहल्ले में ये भी चीजें हो जाती है? अब सुविधाएं तो हो रही है सर, सब गार्डन बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, जोन बगल में आ गए हैं। अच्छा, अभी कोई प्रचार प्रसार का माहौल दिख रहा है क्या? लोग अभी शुरू नहीं हुआ है अभी। अच्छा, तो जैसे कि हमें बता रहे थे गणेश जी कि फिलहाल इस बार माहौल अब तक तो ठंडा है लेकिन परिसीमन के चलते बहुत परेशानियां हुई है। भाई साहब, आप इसी वार्ड के हैं क्या? नहीं, अलग वार्ड के हैं। हाँ। यही शहर के हैं? हाँ, यही शहर के हैं, रायपुर के। तो मतदान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल। इस बार क्या माहौल है नगरी निकाय को लेकर? माहौल अभी तो कुछ पता नहीं चला है। अभी कुछ पता नहीं चला है, तो प्रत्याशी जब तय हो जाएंगे तब पता चलेगा। तब पता चलेगा क्या है, कैसे है वो, कैसा है। और शहर में विकास को लेकर के क्या है आपकी? विकास तो है कुछ कुछ, बाकी बहुत कुछ पिछड़ा हुआ भी है अपने क्षेत्र में। बाहर से हम लोग मतलब गाँव क्षेत्र से हैं तो उधर बहुत कुछ कम है। चलिए, आपके मोहल्ले में आएंगे तो उसको भी देखेंगे। तो फिलहाल हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे वार्ड क्रमांक 39 से, आपको आगे लिए चलेंगे और बताएंगे कि वहाँ पे हालात किस तरह से है। स्वामी आत्मानंद वार्ड क्रमांक 39, उसी इलाके में हम घूम रहे हैं और इस वक्त हम जो है एक निचली बस्ती में पहुँचे हुए हैं। रेलवे ट्रैक किनारे ये बस्ती है और ये पूरा जो मोहल्ला है वो काफ़ी बड़ा है और NIT से लेकर के तिलगानी नाका ओवर ब्रिज तक पूरा ये दायरा आता है। उसमें एक छोटी जो बस्ती है इसी मोहल्ले में, उसी बस्ती का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे सड़क तो काफ़ी अच्छी बन गई है, पक्की सड़क है यहाँ पे और कंक्रीट की जो है सड़क तैयार है, लेकिन यहाँ पे दूसरी जो समस्याएँ हैं वो है पानी की है। पानी अमूमन यहाँ पर पानी को लेकर के बड़ी दिक्कतें रहती है, साफ़ पानी यहाँ पर नहीं मिल पाता। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है साफ़ सफाई को लेकर के, जो नालियाँ है उसकी नियमित सफाई नहीं होती तो वो जाम की स्थिति बनी रहती है। लोग का ये कहना है कि आते हैं कभी कभी, लोग पूछने के लिए आ जाते हैं, अब तो चुनाव का मौसम है तो फिर भी आते हैं। तो ऐसे ही कुछ साथी उनसे पूछते हैं आपके मोहल्ले में हालात कितने बदले हैं आने वाले कुछ सालों में? जो तो पार्षद बदल गए हैं, हालात तो बहुत बदले हैं, रोड बन गया आपका, नाली बाली भी बन गया, साफ सफाई भी होते रहते हैं, आते रहते हैं, सब साफ सफाई करते रहते हैं।
और आप लोगों की ज़रूरतें पूरी हुई है जो आप लोगों की मांग रही है या आप लोगों से जो वादा किया गया था? नहीं, वैसे तो हुए हैं, मांग तो कर रहे हैं, जैसे अपने मकान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री वाले जो निकले आवास वाला, ऐसे भरे हैं, फार्म भर के भरे हैं, अभी देखो कब आता है। अभी सबको नहीं मिल पाया, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के तो पक्के मकान हैं लेकिन अभी तो भी बहुत सारे कुछ निजी बनाए हैं अपने, मतलब निजी बनाए हैं इन्होंने जो बाकी ऐसे भी मकान हैं। ये भरे फार्म, अभी उसका कोई आया नहीं है अभी तक, अब देखो कब तक, जब तक आए तो ठीक है बन जाए प्रधानमंत्री की आवास की योजना के अंतर्गत, तो वही देख रहे हैं रास्ता कब, जब आ जाए तो फिर अपना चालू करवाएंगे। तो जैसे बता रहे हैं कि पीएम आवास के तहत जो लाभ है वो लाभ अब तक इस मोहल्ले के लोगों को नहीं मिल पाया है। जिन लोगों के मकान बने हैं वो निजी तौर पर जिन्होंने अपने मकान बना लिए हैं वो हैं। अब हम आपको एक दूसरा नज़ारा भी आपको दिखाना चाहते हैं कि होता क्या है कि साफ़ सफाई को लेकर के जो तस्वीरें अच्छी होनी चाहिए थी वो होती नहीं है, व्यवस्था कैसे बिगड़ती, इसमें प्रशासन की अपनी जो ज़िम्मेदारियां है वो तो पूरी होती नहीं है। जो ज़्यादातर ज़िम्मेदारियां है वो आम लोगों की भी होती है कि उसे वो ठीक कराए, दुरुस्त कराए। तो रेखराम, ये दूसरे तरफ की तस्वीर भी दिखाइए कि यहाँ पे दो इस मोहल्ले में नालियां है और एक नाली तो ठीक ठाक है, वहाँ पे साफ़ सफाई हो रहा है, दूसरी तरफ ये जो नालियाँ है वो पूरी तरह से जाम है। यहाँ पे पता नहीं कितने समय से साफ़ सफाई नहीं हुआ। ये एक तरफ का ये पूरा जो नाली है इसे बनाने का कोई औचित्य नहीं रह गया, ऐसा लग रहा है ये पूरी तरह से जाम है। अब इस मोहल्ले के कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कि हालात क्या है और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या उनकी ज़रूरतें हैं अपने आने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जिन्हें वो चुनेंगे। यहाँ पे जो सनत बैस है वो कि वर्तमान में पार्षद हैं। ये बताइए भाई साहब कि अभी क्या ज़रूरत पूरी हुई आप लोगों की और क्या और चाहिए? अभी तो पीछे डहर के नाली है बना के, पीछे की नाली बना थे अभी नहीं, जरूरी है बनाना, जरूरी है, नहीं बने नहीं बने हैं। अच्छा, और पानी वानी? पानी तो सब होती है, ठीक है, पानी की समस्या नहीं है? नहीं, पानी सही है, मशीन लगाथन त आथे कि बोल तानी से नहीं आथे पानी। हां, पानी किसे आथे? मशीन लगाथन ना पानी खींचे के तब आथे पानी, वैसे पानी नहीं आथे, पीएक पानी नहीं मिला था मान लो, पीएक पानी नहीं मिला। हां, औ कभी कभी गंदा भी घला आथे ललहू। अच्छा, और बाकी और कुछ? बिजली ठीक है? बिजली माना तो सब ठीक है, लाइट वाइट माना सब ठीक है। पानी के हमारा ज्यादा तंग है, मोटर लगाथन तब आथे तानी से पानी नहीं आता। राशन वगैरह? राशन माना तक मिला थे, मिलते दुकान पे। हाँ, दस किलो एक जन ला। हाँ, मिला थे 10 किलो वाले योजना मिला थे अब एक जन। हाँ, आदमी के हिसाब से मिलते, मन के हिसाब से? आदमी के हिसाब से तो अभी एक जन है नहीं, तेल 10 किलो दे थे और परिवार हावे तेल में वही 35 किलो। 35 किलो, तीन जन है तो 35 किलो, चार जन है तो 35 किलो ऐसे देवा थे। हाँ, मिला थे वहाँ राशन दुकान ले, कोनो समस्या नहीं है? समस्या नहीं है वहाँ, अच्छा देते हैं। सब अच्छा। और ये देला, ये नाली है वही भला सब साफ सफाई कर हुआ हुई है, एक नाली नहीं आवे होती सफाई, ये दे नहीं हो, नहीं हो है ये कनी सामने सामने खींच दी तान भाई के तान अंदर में गुंजाए छे पूरा मलमा। हाँ, वो पानी के समस्या हमारा ज्यादा है, वही सब ले देवाबे। और तुम स्कूल स्कूल जाता नहीं? जाता स्कूल? अच्छा, तो ये आत्मानंद वार्ड के एक बस्ती, ये पारा के कुछ ना है का? समता कॉलोनी अर्जुन नगर। अर्जुन नगर, तो अर्जुन नगर की तस्वीर हम जो है आपको दिखा रहे थे कि आत्मानंद वार्ड क्रमांक 39 में अर्जुन नगर की ये तस्वीर। एक नाली जो कि रेलवे ट्रैक के किनारे के पीछे बननी चाहिए थी वो अब तक नहीं बन पाई है, सफाई जो है वो नियमित नहीं हो पाती है, और पानी की जो समस्या है वो ये है कि अगर आपके पास टुल्लू पंप नहीं है, मोटर पंप नहीं है, तो आपको पानी आसानी से नसीब नहीं हो। और जो पंप यहाँ पे संचालित है उससे ही पूर्ति होती है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से वो भी कम है। तो फिलहाल आत्मानंद वार्ड के अर्जुन नगर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह पे आपको लिए चलते हैं कि वहाँ पे हालात क्या है और क्या लोग संतुष्ट हैं वर्तमान पार्षद के कामकाज से,
और आने वाले जनप्रतिनिधि से उनकी अपेक्षाएं क्या है। तो बस्ती से निकल के अब आ गए हैं हम मुख्य मार्ग पर, और मुख्य मार्ग में जो है कॉलोनी से जुड़े हुए लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनके बीच में किस तरह की चर्चा है चुनाव को लेकर के, वो क्या चाहते हैं अपने वार्ड के विकास के लिए। और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये भी है कि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा मोहल्ला है, जो इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, वो चाहते हैं कि चुनाव लड़े। मैं इस वक्त हूँ बंगाली चाट कॉर्नर में, और यहाँ पे जो हैं सुजीत मंडल जी हैं। सुजीत जी आइए 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 आइए। सुजीत जी जो हैं वो दावेदारी पेश कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव? चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ की जो जनता से बहुत अच्छा हमारा जुड़ाव रहा है, और किसी भी छोटी बड़ी समस्याओं को लेके जनता हमारे पास आते हैं, उनकी समस्याओं का हम बहुत अच्छे से समाधान भी करते हैं। तो जनता जिस हिसाब से हमसे जुड़े हैं उसके लिए हम इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चुनाव लड़के क्या करेंगे यहाँ पे? जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे वे वंचित हैं, जैसे कि नाली की सफाई हो गई, गार्डनों की सफाई हो गई, आप जाके देख सकते हैं गार्डनों की कितनी दुर्दशा है। अच्छा। जो इनकी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, इस वजह से यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही है जो आम जनता को, इससे चिंतित होकर हम चुनाव लड़ने का फैसला किए। अच्छा, आपने विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की थी क्या? हाँ, जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बताया कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। तो चीज़ को नज़र रखते हुए हमने भी अपनी दावेदारी पेश की, और बहुत अच्छे करीब के दावेदार भी रहे हैं हम। तो भले ही जो है विधानसभा में मौका नहीं मिला, लेकिन नगरीय निकाय में वो अवसर खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। और अगर टिकट नहीं मिली तो? टिकट नहीं मिली तो जो हमारे पार्टी का जो प्रत्याशी चयन में जो सामने आएगा हम उसके प्रति समर्पित रहेंगे। ये है निष्ठावान कार्यकर्ता, तो ये निष्ठावान कार्यकर्ता की पहचान है। बोल रहे हैं भैया हमारी दावेदारी अलग जगह है, टिकट जिसे भी मिले सपोर्ट उसी की करेंगे। तो हम आपको तस्वीर जो है वार्ड क्रमांक 39 की दिखा रहे थे, और ये बता रहे थे कि यहाँ पे माहौल किस तरीके से है। तो चुनाव को लेकर के कुछ बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ नहीं हैं, क्योंकि शहर में वैसे भी सरगर्मियाँ कम देखने को मिलती है। टिकट के जब नाम फाइनल हो जाए, दावेदार जो है पुख्ता हो जाए, तो सब शायद वो नज़ारा देखने को मिलेगा। तो वार्ड क्रमांक 39 में आज के लिए इतना ही। स्वामी आत्मानंद वार्ड की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा समस्याएँ नहीं हैं, सड़क पानी बिजली को लेकर के जो मूलभूत समस्या रहती है उसमें छोटी समस्या है। अब हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी वार्ड के राम सागर पारा में, और यहाँ के यहाँ स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आप जो पार्षद के काम से कितने संतुष्ट हैं? सब बढ़िया भी संतुष्ट है हम लोग यहाँ से पार्षद से। क्या किस तरह की विकास कार्य हुए हैं आपके वार्ड में? आपने जो सोचकर आप उनको पार्षद चुने थे वो काम हुआ है? काम तो हुआ भैया, नाली वाली अभी यहाँ का बस ये जो दिक्कत जा रहा है बहुत एक्सीडेंट होता है, बाकी सब काम अच्छा हुआ है यहाँ का। नाली वाली सब क्या दिक्कत है यहाँ पे? क्या ये गटर जो बना हुआ है नाली का यहाँ पे, कई एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, अधिकांश लोग महिला लेडीज सब गिर जाते हैं, बच्चे लोग को चोटें आती है यहाँ पे, बस ये दिक्कत है, बाकी वार्ड अच्छा बना यहाँ का। आप युवा हैं, आप किस तरह से देखते हैं पार्षद के कामों को? पार्षद तो यहाँ का ठीक ठाक है, लेकिन उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। बस और कुछ? किस तरह की खामियाँ हैं, क्या क्या काम नहीं किए हैं? जैसे एक बार यहाँ पानी की समस्या थी, हम फोन करे टैंकर भेजा नहीं उनने। बस कुछ नहीं। यहाँ सफाई व्यवस्था साफ रहता है हमेशा, नीट एंड क्लीन? जब फोन करो तब रहता है, कचड़ा वाली गाड़ी जल्दी नहीं आती है। बस वही बात है। अब हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी वार्ड के जोरापारा में, और यहां जानेंगे कि यहां काम की क्या स्थिति है। यहां का पार्षद है विमल गुप्ता, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहां की आप जो पार्षद हैं आपके यहां के, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं, वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या समस्याएं अभी बनी हुई हैं? काम अच्छा कर रहे थे। हाँ, अच्छा कर रहे थे। यहां पानी वानी सब समय पर मिलता है? अब मिला थे, और नहीं भी मिला थे, क्या करेंगे। कब कितने समय आता है आपके घर में पानी? घर में पहुंचता है पानी? आप टैक्स पटाते हैं तो?
हमारे घर तो पानी आबे नहीं करा है, नल के पानी बिल्कुल नहीं आए हमारे घर नहीं आए। हमार ये तो पार्टी दिस बाहर से लगा के भरते, वो भी नहीं भरे और टैक्स लहू पटा थे, और बड़े जेठ है ना वो भी इसने टैक्स पसा थे, वो भी इसने पाइप लगा के वो दे भरा थे। सफाई वफाई होता है यहाँ? सफाई मोहल्ला होते हैं। तो यहाँ आपको पेंशन मिलता है? मतलब पेंशन मिलते समय में मिलते समय में समय में जाक ला लेता हूँ। आप पार्षद के काम से कितना संतुष्ट नज़र आ रहे हैं? ऐसा है, पार्षद के काम से तो हम संतुष्ट हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी अच्छी है, सफाई भी अच्छी होती है। थोड़ा बहुत पानी की प्रॉब्लम थी पर अब अच्छी हो गई है व्यवस्था यहाँ पे। गर्मी के दिनों में ज़्यादातर देखा जाता है यहाँ हाहाकार रहता है पानी को लेकर, तो क्या व्यवस्था की गई थी यहाँ पे पानी के लिए? यहाँ पे जगह जगह पे नल लगाए गए थे, तो व्यवस्था तो अच्छी थी यहाँ पे, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं गई यहाँ पे। अभी हमने कम से कम 1 किलोमीटर वार्ड घूम के आ रहे हैं, देख रहे हैं कहीं टंकी फटा हुआ है, नल टूटा हुआ है, ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये शायद अभी अभी बनी होगी, बाकी ऐसी व्यवस्था हर समय तो नहीं थी, व्यवस्था तो अच्छी थी। यहाँ मेडिकल कैंप वगैरह लगते हैं यहाँ? हाँ, लगाते थे यहाँ मेडिकल कैंप, बगल में लगता था यहाँ पे। तो पार्षद के काम के माने जो 5 सालों में वो जो काम किए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा। क्या मतलब आप अच्छा देखते हैं, मतलब और क्या हो सकता है और क्या कमी है? नहीं, काम तो खैर अच्छा हुआ है, बाकी तो ऐसा है कि जो भी काम कर लोगे उसके बाद भी कुछ ना कुछ कमी रहती है, पर काम अच्छा किया उन्होंने। चूंकि आगे में और नगरीय निकाय चुनाव है, आपके नया पार्षद आपको चुनना है, तो आप किस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी तो जो सबको साथ लेकर चले प्रत्याशी वो अच्छा होता है, बाकी जो सबका विकास करे, सबको साथ लेके चले। काम तो अच्छा हुआ है खैर, नो डाउट, बस ऐसे ही प्रत्याशी चाहिए। मानव स्वभाव है, जितना आपको देंगे उतना कमी है, लेकिन आप देखते हैं कि इस वार्ड को आप घूम रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ के निवासी हैं, अभी और क्या कमी है जो आगे आप पार्षद से उम्मीद करते हैं कि ये हो जाए तो इस वार्ड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए भला हो? मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई विशेष कोई कमी नहीं है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। और भी लोग हैं जानेंगे इनसे, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यार मेरे को बचपना हो गया भैया। तो आप बचपन के दौरान से और अभी पीछे 5 सालों में, पहले जो काम हुआ और जो अभी 5 सालों में काम हुआ उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, काम तो अच्छी हो रहा है, जो भी पार्षद बना साहब काम अच्छी कर रहे हैं। अब देखो कोई नया पार्षद आया वो क्या काम करेंगे। सफाई व्यवस्था की बात करें? हाँ, सफाई व्यवस्था तो हो रहा है, डेली हो रहा है। रात में बिजली व्यवस्था? हाँ हाँ, सब ठीक है। आप पार्षद के कामों को जो 5 साल का दौर रहा उसको किस तरह से देखते हैं, आप कितने संतुष्ट हैं उनके कामों से? अब संतुष्ट तो है वैसे भी, लेकिन कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ। अपने एरिया में जोरा पारा में पानी की कमी नहीं है, लेकिन ये रोड में थोड़ा सा जो गड्ढे वड्ढे हैं वो भर जाना चाहिए था, बरसात होने पे परेशानी होती है, बस बाकी उसका कार्यकाल ठीक रहा, काम हम सब अच्छा रहा, बेटा रहा। सफाई की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हर जगह गंदगी है, क्या कहेंगे इसको? सफाई के लिए तो बोलना पड़ता है, सफाई तो आए दिन, मतलब कामगार को भी बोलो तो कामगार बोलते हैं हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, वो करेगा बस, और कोई बात नहीं, वैसे भी चल रहे हैं। इसको लेकर पार्षद के पास कभी गए तो क्या रिप्लाई आता है, किस तरह के वो बात करते हैं? नहीं ठीक है, रिप्लाई क्या बोलता है, हो जाएगा, करते भी हैं, लेकिन इतना बड़ा एरिया है वो लोग ही कितना देखेंगे। आदमी अपने घर की सफाई ढंग से नहीं कर पाता है, तो इतने बड़े वार्ड को देखना ये भी बहुत अच्छी बात है, भारी बात है। मतलब लोग अपने घर के कचरा बाहर फेंक देते हैं, इस कारण ये स्थिति बनती है? नहीं नहीं, कचरा बाहर नहीं फेंकते, अभी तो निगम ऐसी सुविधा दी है कि हर घर में एक बाल्टी में आप कचरा डालो और वहाँ से निगम की गाड़ी आती है, बकायदा लेके जाती है। तो ये सब ये जब व्यवस्था है तो ये सड़क में कचरा कहाँ से दिख रही है? ये तो आम लोगों का, कोई कहीं खा के फेंक दिया, कुछ कर दिया, फिर भी झाड़ू वाड़ू लगता है, साफ सफाई होता है, कोई बुरी बात नहीं है। और कचरा तो रहेगा जी, आप व्यक्तिगत अपने कमरे में देखो झाँक के, आपको कचरा मिलेगा, ये तो वार्ड है बस। चूँकि आपने अपने यहाँ 30-40 साल का दौर देखे हैं आप यहाँ, तो पहले किस तरह से था, अब क्या परिवर्तन है और आगे आप क्या चाहते हैं कि क्या व्यवस्था हो, यहाँ लोगों की भला हो? अब स्वच्छ भारत के निर्माण हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए बस।
ये जो हम बात करें, आगे चुनाव है आप लोग का, नगरी निकाय नया पार्षद चुनना है, किस तरह की प्रत्याशी चाहिए आपको? ये इसी तरह के जो अभी पार्षद हैं वो, या कुछ और, जिनसे कुछ और अलग अपेक्षा है आपको? अब वो तो क्या है, पार्षद तो बोलते हैं ऐसा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाकी करता कुछ नहीं है, है ना? और जो उनको करने का वो करते हैं, इससे ज़्यादा क्या है। हमारे बोलने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, ये उनके ऊपर निर्भर करता है बस। आप यहाँ पे हैं, दुकान संचालित करते हैं, यहाँ आप आते जाते हैं तो देख रहे हैं कि किस तरह की आपको समस्या दिखती है या क्या, कितने विकास कार्य हुए हैं? मेरे को आया यहाँ तो मात्र 2.5 महीना हो रहा है, 2.5 महीने के अंदर परेशानी सिर्फ यहाँ गड्ढा उड्ढा जो है पानी भरता है, यही भाई जाता हूँ ज़्यादा, बाकी तो साफ सफाई तो ऑल टाइप का है। और आम जनता कुछ भी खाते हैं, गुटखा उटका खाते हैं, फेंक देते हैं, तो कचरा तो रहेगा ही। आपसे हम और जानना चाहेंगे, यहाँ पे पूरी नाली जहाँ भी देखो खुली हुई है, तो इससे समस्या नहीं होती बरसात के दिनों में पानी ओवरफ्लो होने का या कोई बच्चा गिरने का? नहीं होता है, पर उतना ज़्यादा अपने एरिया में नहीं है, जो अपन बाहर देखते हैं उसके अपेक्षा ठीक है। नालियाँ जो जाम है, मच्छरों का कितना आतंक है? मच्छर का तो हमको आभास हुआ नहीं इतना ज़्यादा, बाकी ठीक है जी, इतना होता है। जहाँ और कुछ भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपके पार्षद जो हैं किस तरह से काम किए हैं, कितना आप उनके काम से संतुष्ट हैं? अच्छा रहा कार्यकाल उनका, संतुष्ट हूँ मैं, अच्छा रहा कार्यकाल। आगे किस तरह का और काम होना चाहिए कि यहाँ भला हो लोगों की, यहाँ पार मतलब साफ दिखे? हमारी समस्या है छोटी सी कि जो पुरानी पाइपलाइन है वाली उस तरफ है, उसमें उससे कनेक्ट है जो पुराने नल, तो कुछ घरों में गंदा पानी आता है, वो पाइप फूट गई है, इधर से जो नई पाइपलाइन गई है उससे कनेक्ट करके समस्या से निजात दिलाई जाए। हमारे घर में आता हो सकता है, कुछ घरों में और आता हो। आप जब जाते हैं पार्षद के पास, कभी आप कभी पार्षद के पास गए? क्योंकि व्यवहार व्यक्ति का पहचान बता देता है, व्यवहार बहुत जरूरी है। तो किस तरह का रहा है पूरे इन पाँच वर्षों में पार्षद का व्यवहार? बहुत अच्छा रहा, बस मैं यही, मेरी यही है दो मांगे कि भाई पानी की जो समस्या है, पुराने नल से कोई निर्धन परिवार है वो खर्च नहीं कर पा रहा है, 5-7 हज़ार रुपये लग जाएगा, तो पुराने कनेक्शन हो सकता है और भी घरों, मेरे घर में तो आता है गंदा पानी आता है, और वो क्योंकि पुराना पाइपलाइन कनेक्शन है, इधर से नया गया है, तो वो करवा दें वो, क्योंकि अभी मैं हम लोग उतने सक्षम नहीं है। पीने का पानी जो है, पीने का पानी जो आ रहा है उसमें जो ये नली वगैरह से गुजरे हैं, पुराने पाइप हैं उसमें नली का पानी जा रहा है, तो किस तरह की बीमारियों से लोग यहाँ पे आए? सुनने को मिलता ही है कि बीमारी जैसे इन्फेक्शन से हो रहे हैं। बीमारियां तो नहीं सुनने को आई, लेकिन क्या है कि वो पानी बर्बाद होता है, शुरू में बहाना पड़ता है। और कितने देर तक अगर आप चालू करें नल को, कितने देर तक लगभग बहाना पड़ता है गंदा पानी? वो कम से कम 10 मिनट का पानी वेस्ट जाता है, उसके बाद 10-15 मिनट का पानी वेस्ट जाता है कभी कभी, उसके बाद क्या होता है पानी कम मिलता है ना, और डर तो लगा रहता है, डर लगा रहता है कि हमारे परिवार में पीलिया फैल जाए, कुछ हो जाए, है ना, डर तो लगा रहता है। स्वच्छ पेयजल तो वैसे भी जरूरी है ना, मूलभूत आवश्यकता है। तो आपने अभी सुना यहाँ के वार्ड क्रमांक इंदिरा गांधी वार्ड के लोगों के, ये जिनने पूरे तरह से समीक्षा की है पार्षदों के कामों को लेकर, कहीं नाराजगी है तो कहीं सामान्य स्तर पर काम का स्तर बताया जा रहा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अगले दिन मिलेंगे किसी और वार्ड पर।